अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब में आपका स्वागत है। आज आप देखेंगे 100 के पास की संख्याओं के वर्ग शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालते हैं। जैसे 99, हमें 99 का स्क्वायर निकालना है तो 99 किसके पास में आता है? 100 के पास में। तो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा कि 99 में और 100 में कितने का डिफरेंस है, उसका स्क्वायर करके हमें दाईं तरफ लिखना है और उसमें दो अंक होने आवश्यक हैं। 99 और 100 में एक का अंतर है, एक का वर्ग होता है एक, इसमें तो एक ही अंक है। दो अंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे, तो एक का वर्ग क्या लिखा जाएगा, जीरो एक। सेकेंड स्टेप में क्या करना है यहाँ पे कि इन दोनों में जितना भी अंतर है 100 से कम, कम का मतलब क्या होता है माइनस, यानी 100 से कम वाली सभी संख्याओं में आपको क्या करना है कि जितना भी अंतर है वो इसी संख्या में से माइनस कर देना है। 99 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 98। तो 99 का स्क्वायर हो जाएगा 9801। ऐसे ही 98 का देखिएगा, 98 में और 100 में 2 का डिफरेंस, 2 का स्क्वायर 04। 98 में से 2 माइनस करेंगे तो 96, तो 98 का स्क्वायर आ जाएगा गाइस 9604। 97 में और 100 में 3 का डिफरेंस, 3 का स्क्वायर 09। 97 में से 3 माइनस करेंगे तो 94। 96 में और 100 में 4 का डिफरेंस, 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 में दो डिजिट पहले से ही है तो जीरो लगाने की आपको जरूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जितना डिफरेंस है वो 96 में से माइनस करेंगे। 96 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 92। बाकी ये आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं 89। 89 का देखिए, 89 में और 100 में कितने का डिफरेंस है, 11 का। 89 में और 100 में 11 का अंतर, 11 का वर्ग होता है 121। 121 में कितने अंक आते हैं, 3 अंक। हमने कहा है आपको कि आपको दो अंक लिखने हैं, 21 लिखना है, एक हासिल आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जितना अंतर है वो इसी संख्या में से माइनस कर दीजिए। 89 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 78, और एक कैरी वाला 79। तो इसका आंसर आ जाएगा 7921। तो आपने क्या देखा कि 100 से कम वाली सभी संख्याओं में हमें क्या करना है, माइनस। ऐसी 100 से अधिक वाली सभी संख्याओं में आपको क्या करना है, प्लस। जैसे 101 में और 100 में एक का अंतर, एक का वर्ग 01। 101 में एक जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, 102। तो 101 का वर्ग आ जाएगा गाइस 102 01। 102 का निकालना है, 102 में और 100 में 2 का अंतर, 2 का वर्ग 04। 102 में 2 जोड़ दीजिए, 104। यानी 100 से ऊपर वाली सभी संख्याओं में आपको क्या करना है, जोड़ना है। 103 में और 100 में 3 का अंतर, 3 का वर्ग 09। 103 में 3 जोड़ दीजिए तो 106। 104 में और 100 में 4 का अंतर, 4 का वर्ग 16, इसमें दो अंक पहले से ही है, जीरो लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। 104 में 4 जोड़ेंगे तो 108। ये आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। इसको देखते हैं, 111 में और 100 में कितने का अंतर है, 11 का। 11 का वर्ग होता है 121। 121 में 3 अंक है, आपको 2 ही लिखने, 21 लिखेंगे, एक हासिल आ जाएगा। 111 में 11 जोड़ेंगे तो 122, और एक हासिल वाला 123। तो गाइस आपने सीखा 100 के पास की संख्याओं के वर्ग। इसमें आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने कमेंट दें, अपने सुझाव दें, इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।